मेरठ में झूठी शान की खातिर एक भाई ने अपनी ही बहन को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया। अहम बात यह है कि कल मृतका का निकाह था और ठीक एक दिन पहले आपत्तिजनक फोटो प्रेमी द्वारा भेजे जाने पर भाई ने हॉरर किलिंग की इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। हालांकि पुलिस ने कातिल भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के इस्लामाबाद का है, जहां कल यानी रविवार को फिरदौस का निकाह होना था। घर में निकाह को लेकर धूमधाम से तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक शादी वाले घर में मातम पसर गया। फिरदौस के भाई ने अचानक झगड़े के बाद बहन की कनपट्टी पर तमंचा सटाकर गोली मार दी। हाथ में मेहंदी रचाकर ससुराल जाने के सपने देखने वाली फिरदौस हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। वहीं पुलिस आला एक कातिल भी बरामद कर लिया। पुलिस अधिकारियों की माने तो फिरदौस का अपनी बड़ी बहन के देवर से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसके परिजन उसकी शादी कहीं और करा रहे थे। ऐसे में प्रेमी ने भाई को उसकी बहन के आपत्तिजनक फोटो शादी के ठीक एक दिन पहले भेज दिए। यही बात भाई को नागवार गुजरी और झूठी शान की खातिर उसने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये हमारे यहाँ था इस्लामाबाद चौकी के अंतर्गत आता है और लिसाड़ी गेट थाने में सुबह सूचना मिली कि एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। इसमें हम लोग मौके पर गए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो भी चीज़ें वहाँ से बरामद हो सकती थी उसको बरामद किया। उसमें प्रकाश में यही आया कि प्रथम दृष्टया जो है बहन का किसी से अफेयर की बात आई और उसमें उसकी कुछ पिक्स वगैरह आपत्तिजनक पिक्स थी जिसको भाई के पास भेजा गया था, उसी के गुस्से में आकर के उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। अब ये बात प्रकाश में आ रही है कि कल उसकी शादी तय हुई है, कल होनी थी, लेकिन अब क्या है उसके लिए अभी कोई तथ्य हमारे पास प्रकाश में नहीं आया है। जो कोई भी तथ्य आएगा तो उस बात की पुष्टि की जाएगी।